नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 49 ईयर्स एक लेडी का, और जो पेशे से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं तो इनका मेन सवाल यही है कि ये आगे चल के परमानेंट हो पाएंगे कि नहीं, जॉब में इनको आगे चल के कितना सक्सेस मिलेगा, परमानेंट होंगे कि नहीं, उसी की इनकी जो मेन सवाल है, एक ही सवाल है। और ओवरऑल पाम के एनालिसिस को उन्होंने कहा है, तो चलिए थोड़ा एक बार फिंगर की सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे और कुछ पास्ट रीडिंग है उस पर जाएंगे। तो थम की अगर कंडीशन देखें तो थम ठीक ठाक लेंथ में बना हुआ है, इस तरह से टेढ़ा हुआ बेंट हुआ है इसलिए, लेकिन थम की जो लेंथ है वो ठीक ठाक है। थम काफ़ी पावरफुल और मोटी भी है और इसके कारण इनके इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत जो है वो काफ़ी है, अच्छी है। और इसके कारण ये घर में ज़रूर रूल करते होंगे अपने, या फिर जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये थोड़ी बहुत तो रूल ज़रूर कर पाएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल काम है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत तो ये ज़रूर कर पाएंगे क्योंकि थंब इनकी पावरफुल हमें दिख रही है। एक ही सिंगल लाइन ही ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है, वो भी टूटा हुआ। तो एक सिंगल लाइन अगर इस तरह से टूटा हुआ दिखे तो बहुत ज़्यादा फिनेंशियल मदद नहीं करती है थंब, उसी की इंडिकेशन यहाँ पर है। सिंगल लाइन बहुत ज़्यादा फिनेंशियली आपको हेल्प नहीं करती है अगर थंब की कंडीशन ऐसी हो। इंडेक्स फिंगर देखे बिल्कुल सीधी है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन इनके नहीं है, इंडेक्स फिंगर से हमें नहीं मिल रही है। और काफ़ी छोटी भी है, सन के फिंगर के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी भी दिख रही है। इनके कारण इनके ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन्हीं से उनको फ़ायदा लेना होगा ज़िंदगी में। सैटर्न की फिंगर भी ठीक ठाक है लेकिन थोड़ी सी हल्की सी सन की फिंगर के ऊपर झुक रही है, तो इसके कारण इनके लिए रिस्पेक्ट कमाना ज़्यादा अहमियत रखेगा, ना ही के पैसा। सन की फिंगर ठीक ठाक है लेंथ में और थोड़ी रिस्की टेंडेंसी के होंगे, ये थोड़ी रिक्स लेना पसंद करते हैं काम में, क्योंकि जुपिटर की फिंगर से सन की फिंगर थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। छोटी फिंगर भी सीधी है तो नॉर्मल सी है, ये इंडिकेशन सन के थर्ड फ्लेंस तक करीब करीब पहुंच रही है। 49 इयर्स एज है तो कम्युनिकेशन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन इनके ठीक भी है और एनालिसिस क्वालिटी जो होती है पब्लिक स्पीकिंग भी है, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम लोग माउंट की एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे एक दूसरी पाम में चलेंगे, उससे हम लोगों को माउंट की एनालिसिस में सुविधा होगी। तो चलिए इस पाम से हम लोग माउंट की एनालिसिस की कर लेते हैं। अगर मर्करी की माउंट देखें हम लोग तो मर्करी की माउंट काफ़ी डेवलप है। अगर मर्करी माउंट लेडीज़ की पाम में इस तरह से आपको बाहर जाता हुआ दिखे तो समझिएगा इनमें बिज़नेस क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है। तो अगर ये चाहते हैं कि बिज़नेस करके सक्सेस करना तो इनके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बिज़नेस का क्वालिटी बहुत अच्छी है इनके पाम में। मर्करी इस तरह से फैला हुआ हो लेडीज़ के पाम में स्पेशली, तो जनरली वो लोग बहुत अच्छी बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वूमेन बन सकते हैं। मर्करी में ऐसी बहुत सारी खड़ी लाइन नहीं है, एक ही खड़ी लाइन दिख रही है। और तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा कमी तो इनके पास नहीं है, लिक्विड मनी भी है ठीक ठाक हमें दिख रही है सब कुछ। सन की अगर माउंट देखें ठीक है, सन की लाइन काफ़ी लंबी है, इस तरह से यहाँ से आ रही है, ये वाला लाइन नहीं, एक मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से और एक लाइन जो ट्राइडेंट फॉर्मेशन में बन रही है। अगर कोई भी लाइन सन की या सैटर्न की यहाँ पर भी ट्राइडेंट फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, तो इस तरह से अगर ट्राइडेंट फॉर्मेशन बनती है तो ये लोग जनरली आफ्टर 50 ईयर्स अपने काम को डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि ये लाइन छोटी है इसलिए आफ्टर 50 ईयर्स इनके लिए होंगे। अगर ये लाइन लंबी होती तो उस एज से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो नई फेथ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, सन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है जिसमें ये ट्राइडेंट फॉर्मेशन हो रही है, तो आफ्टर 50-52 ये बहुत सारे कामों में अपने आप को डिप्लॉय करेंगे और वहाँ से ये बहुत सारे जगह से ये पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि दो ट्राइडेंट होगी तो ये मिस नहीं होगी, ये ज़रूर कमा पाएंगे दो तीन जरिए से अपना इनकम। जुपिटर माउंट देखें तो काफ़ी डेवलप है, और ऐसे रूलर ऐसे लेडीज़ के अगर जुपिटर माउंट काफ़ी डेवलप हो तो ये लोग रूलर रहते हैं, मतलब रूल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर में हो, ऑफिस में हो, काम की जगह पर हो, जहाँ पर भी हो, ये रूल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मार्स की माउंट डेवलप है और मार्स में एक मोल भी है जो लाइफ लाइन के करीब हो। अगर मार्स में मोल हो तो बहुत कुछ होती है, एक तो गुस्सा आ जाए तो आप अपने आप को कंट्रोल कम ही कर पाते हैं, दूसरी ये ज़मीन जायदाद भी दिलाती है कभी कभी मार्स की मोल, अगर लाइफ लाइन के करीब आ जाए तो हेल्थ में भी इशू देती है ये। मार्स की अगर मोल लाइफ लाइन के करीब आ जाए तो कभी कभी ये हेल्थ में भी इशू, एक्सीडेंट वगैरह ये सारे कनेक्शन भी दे देता है, तो उससे थोड़ा संभल के रहिएगा, ये लाइफ लॉन्ग तक रहता है अगर मार्स में मोल रहे तो, ये सारे इंडिकेशन आपकी है। मार्स की कंडीशन जो है वो काफ़ी डेवलप है, तो ज़मीन से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी।
आप फील्ड वर्क भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर काम के लिए आपको बाहर घूमना पड़ा तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से आपको सक्सेस कर मिल पाएगी। अगर सेल्स का काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। उसकी सारी इंडिकेशन हमें आपकी मार्स माउंट से मिल रही है। वेनस माउंट भी आपकी काफ़ी ठीक ठाक है, डेवलप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी एनर्जी भी आपकी काफ़ी है और हमें यहाँ से मिल रही है। मून माउंट देखें, ठीक है, यहाँ से थोड़ी दबी हुई है मून माउंट, लेकिन फिर भी मून माउंट की जो उभरा हुआ है वो काफ़ी उभरा हुआ है, इसलिए मून माउंट इनका नॉर्मल सी ही होगी। और फेथ लाइन भी मून माउंट से मिल रही है तो अपोजिट सेक्स से इनको मदद मिलेगी। हस्बैंड हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, लेकिन उनसे इनकी कभी भी ये मदद मांगेंगे अपने करियर के बारे में, अपने कामकाज के बारे में, तो इनको ज़रूर मिलेगी। कहीं के कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये अपोजिट सेक्स के इंसान इनको हमेशा मदद करने के लिए ज़रूर आएगी, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो अभी हम लोग माउंट की एनालिसिस कर चुके हैं इनके पाम में, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी मेन लाइन की पैटर्न कैसी है। अगर हम लोग सारे के सारे मेन लाइन देखेंगे तो थोड़ी हमें मोटी दिखेगी, ये एक नॉर्मल सी है। इस तरह का मोटी अगर आपको लाइन मिले सारे के सारे मेन लाइन, तो ये समझिएगा इनका फाइनेंशियल कंडीशन नॉर्मल सी होगी। ऐसे अक्सर हम लोग देखते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के लेडीज़ को देखेंगे तो उनमें करीब करीब 80% 90% लेडीज़ के पाम में आपको इसी तरह का पाम दिखेगा। जो जनरल मिडिल क्लास के होते हैं उन्हीं का देखिएगा, इसी तरह का पाम होगी, इस तरह से मोटा मोटा, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन होगी, डीपली कट होगी, सारे लाइन होगी, तो उनके ज़िंदगी में इसी तरह से चलती है। तो इनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से चलता, लेकिन नहीं चला इनके। अभी मैं चलता हूँ पास्ट प्रेडिक्शन में, अगर ओ साइन नहीं होती तो मैं जैसा इनका प्रेडिक्शन किया है कि मिडिल क्लास वाली लाइफ लीड, उसी की इंडिकेशन इनके पाम में थी। थोड़ा पास्ट प्रेडिक्शन को देख लेते हैं कि मैंने इनको क्या पूछा। तो मैंने इनको पूछा, एक मिनट थोड़ा पढ़ने दीजिए, बता देता हूँ। मैडम ये बताइए, क्या कभी किसी तरह आपके पास बहुत पैसे आए थे जिससे आपकी फिनेंशियल स्टेटस अच्छा हो गया था, अच्छा हो गया है? तो उन्होंने कहा हाँ, पैसे की वैसे कमी 8-9 साल से नहीं है, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी भी 2007 के बाद ही बहुत खरीदी है। मतलब 8-9 साल से, लास्ट 8-9 साल से इनकी जो है फिनेंशियल स्टेटस वो बदल गई है। उसके बाद भी चैटमैन हमने ख़त्म नहीं किया, क्या उसके कारण आप लोग, मैं और ज़्यादा क्लियर जा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना हो इसमें, इसलिए मैंने और पूछा कि इसके कारण क्या आप लोगों की फिनेंशियल कंडीशन, मतलब फिनेंशियल स्टेटस बदल गई है जो पहली थी उससे, क्या वो आपकी फिनेंशियल स्टेटस बदल गई है, अच्छी है? उन्होंने कहा यस, बट ऑर्गेनाइज नहीं है वो, उनका अलग, उनका पर्सनल मैटर है ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, लेकिन उन लोगों का फिनेंशियल जो कंडीशन है वो बदल गई, वो किसके कारण हुआ। अभी हम लोग क्लोजअप में जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि इस पाम में है क्या। इस पाम में बहुत आपको बहुत हाई फाई कुछ नहीं मिलेगा, आप इधर उधर फिश साइन ढूंढने जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे फ़िश है कि नहीं, मॉनिटर एंगल है कि नहीं बहुत बड़ा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं है। सन माउंट में भी कोई फिश साइन नहीं है, सैटर्न में भी कोई फिश साइन नहीं है, यहाँ पे आधा सा बन के बैठा हुआ है, ये भी कोई रिजल्ट देने वाली में से नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जो सो कॉल्ड बड़े लोग, मतलब फिनेंशियल कंडीशन अच्छे करने वाले साइन हैं, वो आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको यहाँ पे ये मिलेगा, फेथ लाइन इधर से जा रही है, माइल लाइन इधर से इस तरह से जा रही है, और एक राहु लाइन बहुत दूर से आके इसको मिडिल से काट के इस तरह से जा रही है, और ये बना रही है बहुत बड़ी स्टार। और मैं ही शायद पहला और आखिरी इंसान हूँ जो ये फॉर्मूला लाया था आप लोगों के सामने। ये मैंने कहा था कि इस तरह का अगर स्टार बनता है तो इंसान के पास अचानक से बहुत ज़्यादा दौलत आ जाती है, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग उसको रख नहीं पाते हैं, कुछ लोग उसको रख पाते हैं। राहुल लाइन की दी हुई दौलत है ना, तो रखने में तकलीफ़ होती है। कोई कोई इंसान, बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं कि करोड़पति बन जाते हैं कुछ ही सालों में और बाद में वो गवा देते हैं। तो ये स्टार अगर आपके पाम में हो, ऐसे ही होनी चाहिए, फेथ लाइन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टार बन रही है, आप देख के उछल मत जाइएगा, वो उस तरह का नहीं है, वो दूसरा रिजल्ट देती है, वो ख़राब इंडिकेशन होती है। तो इस तरह का अगर स्टार बनते हैं, ऐसे लोग अमीर बनते हैं अचानक से इनकी ज़िंदगी में कामकाज कुछ ऐसा हो जाता है, कामकाज से ही जड़िए होती है, लॉटरी वगैरह नहीं मिलती है, तो कामकाज ही जड़िए इनका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, इनका फिनेंशियल स्टेटस अचानक से बदल जाते हैं।
मतलब गरीब होंगे तो हायर मिडिल क्लास हो जाएंगे, हायर मिडिल क्लास होंगे तो अमीरों में चले जाएंगे, अमीर होंगे तो अरबपतियों में चले जाएंगे। तो इस तरीके का फिनेंशियल स्टेटस बदलती रहती है अगर इस तरह का आपका साइन हो। हाँ, इसका एज कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है किस एज में होगी, लेकिन होती ज़रूर है लाइफ टाइम में। तो यही साइन थी जिसको देख के मैंने इनका एनालिसिस करके ये बताया था कि आपके फिनेंशियल कंडीशन अचानक से ज़रूर बदली होगी, और वो रिज़ल्ट हमको मिल रही है कि उसी के कारण। तो अभी चलते हैं, आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। फिर से हम लोग मेन लाइन की ओर चलते हैं, हार्ट लाइन की और माइंड लाइन लाइफ लाइन की कंडीशन कैसी है, तो हम लोग बात की एनालिसिस ठीक से कर पाएंगे। तो हार्ट लाइन को देखेंगे अगर हम लोग, तो हार्ट लाइन इस तरह से आके यहाँ तक आ रही है, उसके बाद ये जुपिटर और सैटर्न के बीच में जा रही है। जुपिटर और सैटर्न के बीच में अगर जाती है हार्ट लाइन, कहीं पे भी ख़त्म हो जाए, ऊपर हो नीचे हो वो बात नहीं है, ख़त्म कहाँ हो रही है वही भी देखनी है। तो जुपिटर और सैटर्न के बीच अगर ख़त्म होती है तो अच्छी इंडिकेशन होती है। ऐसे लोग फिनेंशियल मामले में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं, ना ही दूसरे का कभी हक मारते हैं, ना ही लोगों को अपना पैसे लूटने देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है हार्ट लाइन की जो इनके पाम में है। अगर हम लोग देखेंगे तो इनके फॉलिंग लाइन कितनी है, तो फॉलिंग लाइन भी थोड़ी बहुत हम लोगों को दिखेगी, ज़रूर हार्ट लाइन में है, यहाँ से है, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी ही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके फैमिली लाइफ में है ऐसा नहीं है। हार्ट लाइन में इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेक है जिसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो करीब करीब आपकी 60 के करीब आपकी एज में आप थोड़ा अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। इस एज में जाके तो मैरिज रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप 60 के करीब, लेकिन हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस है। तो ब्लड प्रेशर से अगर रिलेटेड कोई डिजीज़ आपके है तो उसको थोड़ा संभाल के रखिएगा और देखिएगा, उसमें डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिएगा, क्योंकि ये इंडिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है अगर हार्ट लाइन में लेटर एज में ऐसे ब्रेक आ जाए। माइंड लाइन कैसी है आपकी, माइंड लाइन देखेंगे तो वेव ही है, ये माइंड लाइन बहुत अच्छी माइंड लाइन नहीं है। देखिए माइंड लाइन सीधी इस तरह से नहीं झुकी, ये थोड़ी इस तरह से उभरी, ऊपर गई, फिर गई, इस तरह से गई, ऐसे ऐसे जाके फिर से जा रही है। तो वेव ही माइंड लाइन हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। माइंड लाइन की लेंथ भी छोटी है, तो छोटी माइंड लाइन वालों को जनरली परमानेंट जॉब तो होती नहीं है, परमानेंट जॉब आप लोग करते भी नहीं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगी समझिए, कैरियर में अगर आप सच में कैरियर में चेंजेस चाहते हैं तो आप जॉब चेंज कीजिए। अगर आपकी 2-4 साल इस जगह पे काम हो चुके हैं जहाँ पे आप कर रहे हैं या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो ये टाइम है आपके लिए जॉब चेंज करना। जॉब चेंज करने से ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपको बोल दूंगा कि कौन से सेक्टर में बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस कर सकते हैं आप, बिज़नेस का हाथ आपका काफ़ी अच्छा है। आप अगर जॉब चेंज करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है, लेकिन पुराना जॉब अगर बहुत दिन हो गया है वहाँ पे आपको काम करते हुए, तो वहाँ पे आपको नया प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, ये हो सकती है कि आपको वहाँ से निकाल दे, ये ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ रहती है, लेकिन वहीं पे बहुत दिन अगर हो गया है आपको काम करते हुए तो वहाँ पे आपको नई तरीके से सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत कम है। इतनी छोटी माइंड लाइन में ये होती नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि जॉब चेंज करते रहें, और बिज़नेस नहीं कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं तो जॉब टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, तो उससे आपको लोगों को सक्सेस मिलती रहती है। लाइफलाइन कैसी है आपकी, लाइफलाइन मोटी है, शुरुआत में इस तरह से चल रही है और उसके बाद एक और फेथ लाइन के साथ जुड़ के ये लास्ट के पीरियड चल रही है। तो दो दो फेथ लाइन है, तो आपकी कम्फर्ट जोन नहीं एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर सिर्फ यही लाइन होती और आपकी दूसरी कोई फेथ लाइन नहीं होती तो ये दिखाती कि आपको कभी भी आप ये घर से बाहर, मतलब बहुत दूर अगर जन्म स्थान से नहीं जाते तो वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं होती, तो उस तरह का कंडीशन नहीं है। लेकिन यही लाइन एक बहुत बड़ी असेंडिंग ब्रांच बन के इस तरह से माइंड लाइन में एक बहुत बड़ी ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर लाइफ लाइन से इस तरह का ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है, लाइफ लाइन और असेंडिंग ब्रांच और माइंड लाइन से, तो ये लोग बहुत पॉपर्टी बनाते हैं, बहुत ही पॉपर्टी होती है इन लोगों की, बहुत ही पॉपर्टी होती है, और इनका ट्रायंगल बहुत ही बड़ा है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये धन पैसे मिलने के बाद ये पैसे को पॉपर्टी में कन्वर्ट किए, ये लिक्विड मनी नहीं रखे हैं, देखिएगा ज़रा, ये पॉपर्टी में कन्वर्ट की, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रायंगल है तो इनको बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होने के तो लक्षण थे ही, और उसके साथ जब भी इनके पास पैसे आए ये पैसे को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिए, तो उसकी इंडिकेशन भी यहीं पे हम लोगों को क्लियर मिल रही है, ये भी मैच हो रही है। अभी हम लोग फेथ लाइन देखेंगे। फेथ लाइन शुरुआत में मोटी थी, करीब करीब 30 के एज के करीब से इनकी फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं उस स्टार के बदले में कि फेथ लाइन उठ रही है बीच में से इसलिए इनको फिनेंशियली सक्सेस हुई, तो नहीं, उनकी 49 ईयर्स एज है, और 7-8 साल पीछे जाएंगे तो 41 के करीब एज होगी, जो एज होगी फेथ लाइन से करीब करीब यहाँ पे
जहाँ पे फेथ लाइन की कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब है। देखिए कितना हल्का है यहाँ पे फेथ लाइन की कंडीशन इस पार्ट में, तो यहाँ पे तो इनको सक्सेस नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी मिला क्योंकि वहाँ पे स्टार थी राहु की। शायद उस टाइम पीरियड में इनके हस्बैंड के पाम में भी कोई अच्छी इंडिकेशन थी, तो दोनों से मिलके, उनके टाइम से मिलके इनके वो सक्सेस मिल गई। तो फेथ लाइन से वो सक्सेस नहीं मिला, फेथ लाइन इनके 30 से शुरू हुई और पहले बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, उसके बाद थोड़ी पतली हुई। तो शुरुआत में इनको बहुत अच्छी फिनेंशियल सक्सेस नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे फिनेंशियल काम काज के कैरियर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कैरियर में धीरे धीरे सक्सेस मिलता रहा। उसके बाद करीब करीब जो दिख रही है लास्ट 5-6 साल से इनका कैरियर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं लिए, ये स्लो हो गई। उसके बाद फिर से देख रहा हूँ कि करीब यहाँ से एक नई लाइन निकल रही है, ये एज इनके अभी के है 49, 48, 49, 50, इसी के एज के करीब ये एज हमें दिख रही है, जहाँ से एक नई फेथ लाइन चालू हुई और सीधी सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है। तो नई करियर शुरू करने की इंडिकेशन तो आपकी फेथ लाइन से भी मिल रही है हमें, तो ज़रूर आप नई करियर शुरू करेंगे, चाहे वो जॉब चेंज करें या फिर जॉब में आपका ट्रांसफ़र हो जाए किसी जगह पे, या आप जॉब छोड़ के बिजनेस करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो भी करियर आप चूज़ करेंगे वो नया होगा और बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि अगर पिछली अगर हम लोग फेथ लाइन देखें और नई फेथ लाइन देखें तो ये ज़्यादा पावरफुल है आपकी। यहाँ पे टैड इन्फॉर्मेशन भी थी, मैंने बताया था, दिखाया था कि यहाँ पे टैड इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये शायद आप एक से ज़्यादा काम भी करेंगे वहाँ पे। हो सकती है कि जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ नया जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं, या फिर और कोई साइड में काम करेंगे, लेकिन होंगे तो इसी तरह से, और होने के शुरुआत का टाइम भी आ चुकी है। तो शायद आपको उस पुराने जॉब में परमानेंसी ना मिले, या फिर मिले तो शायद ट्रांसफ़र के साथ मिले, नई जगह पर नई तरीके से काम, बेसिकली आपको नई तरीके से काम करना है फिर से, जब आपकी अभी नई जो करियर लाइन शुरू हो रही है इसके कारण आपको नई तरीके से काम करना है, नई तरीके से काम करेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यही है अभी आपकी आगे की करियर की थ्रू आउट जो इंडिकेशन है वो। अभी थोड़ी वार्निंग है आपके पाम में, आपके पाम में मैं ये साइन जनरली बता देता हूँ, लेकिन आपके पाम के लिए मैंने ये बचा के रखा था। अगर हम लोग मरकरी की यहाँ पे देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्लाउड जैसी बहुत सारी इस तरह से बिखरी हुई लाइन मिलेगी, इस तरह से बिखरी हुई कुछ लाइन आपको दिखेगी। तो ये क्या है? ये हेल्थ लाइन है, जो मरकरी लाइन भी होती है, ये टोटली यहाँ पे बिखर गई है और इस तरह से साइन बना रही है, ये बहुत ही ख़राब इंडिकेशन है आपके हेल्थ के लिए। तो हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ये जनरली पेट से रिलेटेड कुछ भी डिजीज़ होने की इंडिकेशन आपके दिख रही है पाम में, और बहुत ही ज़्यादा डीपली दिखा रही है, तो इससे थोड़ा संभाल के रहिएगा। अगर कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है। इसकी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है, इतनी ज़्यादा बिखरा हुआ है ये लाइन कि मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाऊँगा, इतनी ज़्यादा देखिए किस तरह से ये बिखरा हुआ है। दूसरी पाम में चलते हैं तो वहाँ पे शायद हम लोगों को और ज़्यादा क्लियर दिखे। ये एक मिनट, यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बिखरी हुई है यहाँ पे, ये लाइन आप ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा इस पार्ट में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंडिकेशन है आपके हेल्थ के मामले में, हेल्थ को थोड़ा संभाल के ज़रूर रखिएगा। आप पेट से रिलेटेड डिजीज़ या फिर गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम हो तो उससे ज़रूर संभाल के रहिएगा। तो यही रही आपके पाम के एनालिसिस, आगे चल के करियर में चेंजेस है और वो यहाँ से शुरू हो रही है इसी एज के करीब, जहाँ पे एक लाइन चेंज हो रही है। तो इसके साथ साथ ही आपकी करियर की चेंजेस होगी, या फिर करियर में चेंज होगी, या फिर काम में चेंज होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन चेंजेस आएगी और चेंजेस बेहतर रहेगी आपके लिए। तो इसी के साथ साथ रखते हैं इस पाम के एनालिसिस, एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।